हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, आपका स्वागत है सरोज की किचन कॉर्नर चैनल में। आज हम बनाएंगे दूध और आम से बहुत ही अलग और टेस्टी मिठाई, जिसको खा के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आम की सीज़न है तो मैंने सोचा आम से कुछ ऐसा मीठा बनाया जाए जो आपको सबको पसंद आए। उसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध को गर्म करेंगे। दूध गर्म हो चुका है, उसमें हम 8 से 7 कटी हुई बादाम डालेंगे, 10-11 पिस्ता बारीक कूटे हुए हैं वो डालेंगे। ये कुछ धागे मैंने ठंडे दूध में केसर के भिजा के रखे थे कलर के लिए, वो डालेंगे। ये 3-4 इलायची है जिसको कूट लिया है वो डालेंगे और इन्हें अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। दूध को थोड़ा 5-10 मिनट तक पका के गाढ़ा करेंगे। ये देखिए, दूध को मीडियम फ्लेम में उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। ये 1 कप जितना चीनी है। आप चाहें तो चीनी की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और जैसे मैंगो हल्का खट्टा होता है, अभी तो सीज़न शुरू ही हुआ है तो अभी तो खट्टा ही आएगा। हम बाद में मीठा आने लग जाए तो आप चीनी कम कर सकते हैं। अभी मैंगो खट्टा है बोल के हमने चीनी थोड़ी ठीक से ही ली है, पूरा 1 कप। अब चीनी घुलने तक ऐसे ही चलाते हुए हम पकाएंगे। चीनी डालने के बाद में दूध फिर से पतला हो जाता है, तो फिर से इसे 10 मिनट तो कम से कम हमें ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। ये देखिए, हमारा दूध पहले से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब तक दूध ठंडा होगा तब तक हम आम को छोटे छोटे पीसेस में छील के और काट लेंगे, एकदम फ्रेश आम लें। ये देखिए, दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर एक संग पूरा मैंगो नहीं मिलाएंगे, जैसे आपको सर्व करना हो उस हिसाब से आप बाउल में मैंगो के पीसेस रखें और ऊपर से ऐसे डाल के और सर्व करें। ऊपर से पिस्ते छिड़क के इसको गार्निश करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।